हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के ग्राम सभा जोशी में। यहां पे वर्तमान में सदर SDM, सदर CO, और मैं आपको बता दूं यहां तमाम सिकरारा की पुलिस फोर्स और लाइन बाजार की पुलिस फोर्स यहां मौजूद है। एक साल में एक बार यहां पर बुढ़वा बुढ़िया मंगन मनाया जाता है। यहां लोग धूमधाम से मनाते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं भक्तगढ़ भी यहां पे लोग आए हों। यहां पर पुलिस भी उपस्थिति है। कई मंगलवार को यहां पर चैन कट गया था, जिसके देखते हुए मद्देनज़र सिकरारा के थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी जी अपने मेहनत और उत्साह के साथ यहाँ पर हमेशा 3-4-5 पुलिसकर्मी हमेशा हर मंगलवार को लगाते हैं। आपको बता दूँ वर्तमान यहाँ देखिए काफ़ी सुरक्षा लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला के ललन उपाध्याय जी हैं, उनसे मैं कुछ बात करूँगा। सबसे पहले गुरु जी आपका स्वागत है, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएँ। धन्यवाद। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। संभवतः ये 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में चंदेल राजपूत आजू राय द्वारा ये यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया था। भर राजाओं का उन्होंने विनाश किया और यहाँ से जाते समय उनका रथ यहाँ रुक गया था, तो उनके पुरोहित की सलाह पर यहाँ ज़मीन खुदवाई गई थी। उसमें ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं आज अंदर यहाँ पे विग्रह जो है गर्भगृह में, वो उसी समय नीचे निकला था और उसका पूजन अर्चन करके जब वो गए, इसके बाद उनको विजयश्री मिली, फिर यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनवाया गया। कालांतर में यहाँ पे पंडित गोरखनाथ मिश्र, जो कि बेलगहन गांव के निवासी रहे, इस समय गोलोकवासी हो चुके हैं, उन्होंने प्रयास किया और जनसंपर्क करके लोगों के माध्यम से ढेर सारा चंदा वगैरह इकट्ठा करा करके आप देख रहे हैं कि ये 6 तल का सामने जो नया गेट बनवाया गया, अंदर गर्भगृह के साथ 5 तल का हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर और गणेश जी का मंदिर, राम जानकी और राधा स्वामी, बहुत सारे मंदिर अंदर बनवाए गए हैं। वैसे तो हर मंगलवार को यहाँ बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, लेकिन साल में 2 बार, नाग पंचमी के बाद पहले मंगल को और बसंत पंचमी के बाद पहले मंगल को, ये बुढ़वा मंगल का त्यौहार होता है और बसंत पंचमी के बाद शक्ति पर्व का त्यौहार होता है। बहुत दूर दूर से पूरे पूर्वांचल से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और अपना पुण्य लाभ लेते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, और महिलाएं कड़ाही पूजन करती हैं और अपने परिवार के लिए मन्नतें मानती हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। सब पर बजरंगबली की कृपा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को। जनपद जौनपुर, जय हिंद, जय भारत।